चलो आ जाओ ना, हमने भाई खड़े होते हैं उनके साथ जल्दी, उनको तो पता है कब पे रखने। ये सो दिस इज मारूप, फातिमा को मेरी आने की बहुत एक्साइटमेंट है, बट हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्पेशल व्लॉग, इसलिए क्योंकि मैं जा रही हूँ दुबई। जैसे कि आप लोगों को पता है, खैर मेरा एक बैग वहाँ पर रेडी है, अभी मैंने बालों में आयरन किया है तो इसलिए मैंने सोचा कि वो आयरन ठंडा हो जाए तो दूसरा बैग भी पैक कर दूंगी। फर्स्ट टाइम मैं पाकिस्तान से बाहर जा रही हूँ, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम था जिसके लिए मुझे इजाज़त बिल्कुल नहीं मिल रही थी, बट अब मैंने बहुत मुश्किल से इजाज़त ली जो कि बिल्कुल नहीं मिल रही थी। मैं इस इजाज़त के लिए मम्मा पापा को 6 महीने से मना रही थी बट वो नहीं मान रहे थे। एट द एंड वो लोग मान गए, क्योंकि हमारा मेरे साथ हर जगह होता है तो उसके साथ मुझे इजाज़त मिल जाती है और वो एक तरह से मेरे लिए फैमिली फ्रेंड भी है, और मतलब भाइयों से भी ज़्यादा। अंदर जाके व्लॉग बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो बहुत शोर हो रहा है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि मुझे इजाज़त नहीं मिल रही थी और बाबा तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहे थे, बट मैंने कहा बाबा अभी तो सिर्फ दुबई जा रही हूँ, फिर मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है और बहुत सारी जगहें जो कि मैंने वो करी हुई हैं, और इंशाल्लाह उमरा करने भी जाऊंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसकी भी पूरी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि वो पूरी प्लानिंग के साथ जाना है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ मैंने अकेले नहीं जाना है, वहाँ पे सभी को लेकर जाना है। इसके अलावा ये मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि एक लड़की के लिए अकेले ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और काफ़ी सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको घरों से इजाज़त नहीं मिलती है, और उनके लिए मतलब उनको उनका भी दिल चाहता है मुझे देख कर या किसी को भी देख कर लड़कियाँ अकेले ट्रैवल करती हैं, और मैं इंडिपेंडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ट्रैवल किया है लेकिन पाकिस्तान से बाहर नहीं किया, ये मेरा पहला ट्रैवल व्लॉग होगा और मैं बहुत खुश हूँ कि ये मेरा पहला पाकिस्तान से मतलब इंटरनेशनल पहला ट्रैवल व्लॉग है, और मतलब इतनी ज़्यादा खुशी है ना मैं नहीं बता सकती, लेकिन थोड़ा सा सैड भी क्योंकि मम्मा नहीं है, मैं उनसे मिलकर आई थी क्योंकि उन्हें पता था कि मैं चली जाऊँगी, बट उनकी आज की टिकट्स हैं वो आज आ जाएंगी यहाँ पर घर, लेकिन मुझसे नहीं मिल पाएंगी, बट खैर मेरा 8 से 9 दिन का ट्रिप है और मैं 8 से 9 दिन में वापस आ जाऊँगी। खैर आप लोगों ने इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा लाइक करना है, और प्लीज़ 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 जिसे मुझसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो मेरे व्लॉग ना देखे, क्योंकि जब आप लोग बैड कॉमेंट करते हैं तो मैं कॉमेंट कभी कभी पढ़ती हूँ, मतलब समटाइम्स अगर पढ़ लिए तो पढ़ लिए, वरना मेरी मम्मा मेरी फैमिली कॉमेंट पढ़ती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर्ट होता है इस चीज से कि आप लोग देखते भी हैं और फिर आप लोग बैड कमेंट भी करते हैं। अगर आप लोगों को कोई बात बुरी लग रही है, काफी सारे ऐसे लोग हैं मेरे चैनल पे जो मुझे समझाने के वे में कमेंट करते हैं, और मैं उनकी बात समझती भी हूँ और मैं उनका कमेंट लाइक भी करती हूँ, जबकि उसमें वो मेरे लिए कुछ भी लिख रहा हूँ बट वो समझाने के वे में होता है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसके माँ बाप तो इसके पैसे खा रहे हैं, इसके माँ बाप तो ये, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा मुझसे कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो गवर्नमेंट टीचर है तो उनकी इतनी अच्छी इनकम है कि उल्टा मैं उनसे खर्चे ले रही होती हूँ, ना कि मैं उनको दे रही हूँ, क्योंकि मेरे अपने इतने ज़्यादा खर्चे, क्योंकि मेरी शॉपिंग मेरी ये, क्योंकि जब हम लोग एक ड्रेस पहन लेते हो तो दोबारा नहीं पहन सकते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। बाबा मुझसे क्यों पैसे लेंगे कि आप लोग बोलते हैं, हाँ ऐसा है कि हम लोग डिनर शिनर पर जाते हैं तो मैं फैमिली को खिला देती हूँ या कभी कहीं पर खर्च कर लिया थोड़ा बहुत समटाइम्स, वरना बाबा ही करते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरे फैमिली ब्लॉग पसंद है, लेकिन दुबई में फैमिली को ले जाना थोड़ा सा मुश्किल था तो इस वजह से नहीं जा पा रहा कोई भी, वरना मैं फारिस को ले जा रही थी लेकिन वो एट द एंड कैंसिल हो गया, बट मेरे साथ फारिस जा रहा था, लेकिन खैर कोई नहीं, अब नेक्स्ट ट्रिप जब होगा उस पर हम सब जाएंगे एक साथ अभी, लेकिन ये है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। गाइस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेगा, मैं जा रही हूँ, बाय, आई लव यू ऑल। बताओ ना अब तो प्लीज बोल दो, मैं पतली हो गई हूँ। अच्छा तुम पतली नहीं हुई अभी, तुम क्या चाहते हो, तुम फ्रेंड्स आके बोल रहे हो 50 kg चाहते हो तुम, मेरे ट्रेनर ने 65 बोला तुम 55 कराने पे तुले हो। मुझे कितना रोना आ रहा है, तुम्हें कोई अंदाजा है कि मैंने जब इस बैग को खोला और एक एक कपड़ा अपना चेक कराया तो मुझे कैसा फील हो रहा होगा, कुछ आईडिया क्योंकि मेरे साथ ऐसा है। लेकिन खैर मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इतना फर्क नहीं पड़ता, मैं फोन नीचे कर रही हूँ क्योंकि आधी दुनिया मुझे देख लू। यार क्या मतलब इतनी ख्वारी इंटरनेशनल ट्रिप के लिए, कितनी ख्वारी, मेरी बात सुनो, मेरे पैरों में दर्द हो गया यार, हम लोग कब से आए हैं, 3 बजे से
गाड़ी में बिठा बिठाओ ना मुझे गाड़ी में, कितना चलना पड़ता है। और यहाँ पे हम खा रहे समोसे, मछली दुकान हर जगह शुरू कर दो। इतने पैसे तो लगा लो दुबई जाने के, निकालू नहीं। और गाइस मैं बहुत चल चल के थक गई हूँ बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ अंदर आके इतना चलना पड़ता है, हद से ज्यादा एंजॉय भी तो है फिर। सो फाइनली हम एंट्री गेट पे आ गए, बट मैं चल चल के इतना ज्यादा थक गई हूँ यार, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तुम्हारे नहीं हो रहा? सब मैं बोल रहे हैं उनको मेरे नेल्स अच्छे लग रहे, बट मेरे नेल्स अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। कोई अच्छी फ्लाइट करा लेते जब तुम्हें मुझे दुबई ले जाना था तो ब्रदर। अब मैं सोच रही हूँ हर व्लॉग में तुम्हें ऐसे बोलूँ ब्रदर, माई बेस्ट फ्रेंड बाबू। तो गाइस नाउ फाइनली हम लोग जो है जहाज में बैठ गए हैं, और पता है इसने मुझे बहुत इरिटेट करा है। अब जब तक अभी हमारी फ्लाइट जब उड़ने लगेगी तब ये फ़ोन रख देगा क्योंकि सिग्नल तो आएंगे नहीं, फिर मैं इसका मुंह नहीं लगाऊंगी और मैं बाहर देखूंगी। सही है, गंदा शीशा है ब्लू का देखना। वैसे भी एयर ब्लू में जाते हैं, यहाँ भी एयर ब्लू में जा रहे हैं, जिंदा ही एयर ब्लू हो गई है। पूरा कलर मुझको अच्छा नहीं लग रहा। अली ने की वीडियो कॉल क्यों? क्या मेरी बात सुन, मानती हो ना तुम? व्यूज मेरे नाम से खाती है, तुम एंटरटेन ही नहीं करा रहे, तुम अपने मोबाइल में। एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं हूं मैं, सही है। मैं कह रहा हूं इनको बोलो एक सेकंड जहाज से पाई ना, बात सुने, वीडियो सेंड नहीं हो रही, कशफ दा रुको, अली की चैट खोलता हूं। दिखाओ राजा राजा की नहीं, बात सुने जहाज से पाई ना मेरी वीडियो सेंड। कह रहा हम उड़ने लगे हवा में यार। वैसे ये वाला ब्लॉग चलने का, तुमने बताया कि मैं दुबई के टी ब्लॉग्स बना रहा हूं। हां कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर मैं बनाऊं मेरे चैनल पे बनाऊं 30,000 सब्सक्राइबर्स, मैं भी चैनल पे वीडियोस बना के दुबई की ट्रिप डाल दूंगा, आपको चैनल में देख लूंगा। सर्वाइविंग ऑन 100 दिरहम इन दुबई, मजा आएगा। बनाए बनाए ये मैं बना, ये बाहर वाले जो है ना पुलिस पर अरेस्ट करवा देंगे। क्यों? पार्टनर से तो मांग के खा सकते, कोई कोई ना कोई पहचान लेता है। ये लोग नहीं, बगैर तो कंजर हो मैंने उतार दिया गाइस, क्योंकि मैंने उतरवाया है। बस कर दो। किसने उतरवाया? किसी और के कहने पर उतारा है, मैंने समवन स्पेशल। तुमने समवन स्पेशल के कहने पर रखा हुआ था और एयरपोर्ट पे मैंने इसे उतारा है, मैंने खुद उतारा समवन स्पेशल। पहले तो बहन तुम्हारा समवन स्पेशल हर 3 महीने बाद चेंज हो जाता है, फिर मुँह तो तुमने हमसे ही रखना होगा। अभी बोरी सम्मान स्पेशल रखी है, कोई नहीं जिसके लिए उतार रहा है वो खुद ही समझ गया। तुमने भी तो 5 लोगों का आसरा दिया है। लेकिन मुझे इसकी बदबूएं बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन इट्स ओके। डाल से लगा के अभी तो खुशबू आ रही है, बस भूख लग रही है मुझे, और मुझे तो खुशबू से भूख लगी है। देखो गाइस खाना है, ये तो पानी पीना, मुझे भी पानी और कोल्ड ड्रिंक दोनों पीना, मैंने भी स्कूल किए। मुझे लगता है जब मैं घर जाऊंगी तो मैं मोटी होकर जाऊंगी। बात सुनो तुम जो है ना, सिर्फ जो है डेढ़ लाख रुपये का खर्चा करवा के लेकर आई, उस हिसाब से तुम सिर्फ एक टाइम का खाना खाना। आ गए यस, पूरे रास्ते यही बोल दिया, ये जहाज पहुंच गए हैं। सो गाइस ये अभी एयर ब्रिज लग जाएगा हमारे जहाज के साथ, किस तरह निकलता है ये मुझे बस ये देखना है, और आप लोग को भी दिखा दूंगी। ये हिला हिला हिला, ये जहाज तो उधर नहीं जा रहा, ये वो पूरा आगे आ रहा है यार। मेरी बात सिर्फ तुम्हारी औकात से बाहर है, ये बैग शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? सॉरी मैं जा रही हूँ। तो भाई हम लोग पहुँच गए हैं दुबई एयरपोर्ट। अभी मेरी उंगली में ना, मेरे एक्रेलिक्स में इतना जोर दर्द हो रहा है, ये वाली उंगली में, वो इसलिए क्योंकि मैं जूता पहनी थी, मैं जहाज में जूता उतार के बैठ गया, मेरा नाखून मुड़ गया, इतना दर्द कर रहा है पैर यार। अम्मा आई मिस यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह बस मेरी खुशी को नजर न लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये बस से है, यहाँ से तो जो है क्या कहते हैं बस ये ट्रेन है, मेट्रो कहते हैं इस तरह की ट्रेन जो यहाँ पे एयरपोर्ट में ना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन है। हमें तो वहाँ पे पैदल कुत्ते की तरह हमारा रहा है इस्लामाबाद एयरपोर्ट। लाइक योर ब्रेड्स कहाँ से बनवाई है? तो पूछो ना कहाँ से बनवाई है। कश्यप अंसारी, कैन यू वॉच माई व्लॉग?
अच्छा ब्रेड कहाँ से बनवाई? मेरी बात तो वहीं रह गई। नेचुरली पागल हो, चिट्टियाँ बनवाई भी उसने। तो जो जो फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे उनको सामने जाना है, जो पहले आ चुके हैं वहाँ जाना है। तो हम आज वहाँ जा रहे हैं और मैं यहाँ जा रही हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम आए हैं उन्हें यहाँ जाना है। कहाँ से जाना है? लाइन, वेयर इज लाइन? लाइन गाइस, आई कांट स्पीक इन इंग्लिश। ओह, मैं उस उर्दू में बात कर रही हूँ, वो बोल रहे यस। ओह शिट, उनको समझ ही नहीं आया मैंने क्या बोला। मैं तो भूल गई थी कि वो उनको सिर्फ इंग्लिश समझ आती है। मेरी बात सुने आप लोग, ये देखें कितनी लंबी लाइन है, क्यों फजूल में इतनी लाइनें बनाई हैं इन लोगों ने। ये बैग के लिए इतनी लाइन के साथ जाना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, ये तुम तो यहाँ पिक्चर खींचने वाले थे। हम जम कहाँ जा रहे हैं? मेट्रो। हमें टैक्सी पे बहुत रश है तो इसलिए हम मेट्रो पे जा रहे हैं। तो मां, मुझे लग रहा है मेरा बैग टूट गया। शेट, अल्लाह अल्लाह, ये देखो यहाँ से लग रहा है टूट गया। मां बैग पकड़ो, तमीज है कि मैं तुम्हारे पास कर रही हूँ इसे, पकड़ो। यार आकाश से बाहर हो जाता है कहीं अच्छी जगह आके। मेट्रो का हाउ मच इन पाकिस्तानी रुपीस? तकरीबन 3,000-3,500 बस। 3,800 के दो कार्ड बने। मेट्रो कंपैरेटिवली बहुत चीपर है ना। हाँ, टैक्सी में तो हम जाते तो सिर्फ एक मर्तबा का किराया था, लेकिन स्टैंड पे रश बहुत था, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा। सो गाइस, हमारी मेट्रो आ चुकी है और हम अपनी मेट्रो में। कहाँ जा रहे हो? अरे ऊपर प्लेटफॉर्म। तुमने अभी बोला मुझे तो ऐसे पूछ के जैसे पता है। ये मुझे कहाँ का ले? बाहर तो निकलो। अल्लाह, मुझे कहाँ? ये मुझे लग रहा है वापस एयरपोर्ट से ले आए हो। ओह माय गॉड, अंग्रेज। मैंने तो जिंदगी में पहली बार रियल में अंग्रेज देखे। क्या देखी? अंग्रेज, चाइनीज अंग्रेज। क्यों? तो मैंने कहा यार, ये जो क्रॉस वॉक्स है पैर रखो ना तो गाड़ी रुक जाती है, पैदल पैदल जा सकते हैं। लेकिन मुझे दुबई का रूल्स का नहीं पता, पाकिस्तान की आदत हुई है, ये पता नहीं है पैर कब रखना है। ये ना हमारा सिग्नल बंद हो, मैं पैर रख दूं, मेरे पैर के ऊपर गाड़ी चल रहा है। चलो फिर मेरा गंदा लेंगे। ये क्या कर रही है? हेलो भाई, बोलो। मुझे नहीं पता ना कब पैर रखने का। अच्छा चलो आ जाओ ना, हम भी वहीं खड़े होते हैं उनके साथ। जल्दी, उनको तो पता है कब पैर रखना है। ये इतने बैग लाने को किसने बोला था तुम्हें? ये रहा, मैं लेके जा रहा हूँ अपना बैग। एक मिनट, ये बोल रहा था हम ना टैक्सी में चलते हैं होटल पर, का कोई जरूरत नहीं है, मेट्रो का कार्ड बनाओ, पैसे बचो। गाइस मैं बताऊँ, मैंने वीडियो पिक्चर में दुबई देखा, लेकिन दुबई इतना प्यारा नहीं लगता जितना दुबई रियल में प्यारा है। वेलकम बच्चे। चपड़ी बोले, चपड़ी बन गई। और ये हमने होटल करवा लिया है। और बोले इधर से लो, उसने तंग कर दिया व्लॉग में। मैं इसके साथ व्लॉग नहीं बना रही, मैंने तो उससे गलती कर दी इसके साथ आके। वाओ, दिखा, मैं लगाऊंगी। हटो हटो हटो, इसकी बात खोल ना। चल मुझे लगाऊं। ओ माय गॉड, ये सो दिस इज माय रूम। नाइस, वाओ। तो भाई आप लोगों को बताऊं कि मेरे होटल में कौन आ रहा है, और आप लोगों के साथ तो शेयर करना मस्ट है। हाँ तो भाई, आप लोगों को एक जो है ना मिलाने वाली हूँ स्पेशल वन से, और वो स्पेशल वन आने वाला है। कहाँ 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 आ रहा है वो स्पेशल वन? और मैं अगर बाहर गई तो मेरी रूम का गेट बंद हो जाएगा, फिर खोलेगा कौन? स्पेशल वन का यहीं वेट करना पड़ेगा। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है?
हमारा आर यू कंफर्टेबल और नॉट हमारा आर यू कंफर्टेबल यार आप लोग ना एक काम करो एक्स्ट्रा आ जाओ बहुत फिट लग रहा है गाइस कोई एक्साइटमेंट है आप लोगों को हमारे आने की फातिमा को मेरी आने की बहुत एक्साइटमेंट है बट हम लोग जा रहे हैं खाना खाने अच्छा आप लोगों को बताऊं यहां गर्मी बहुत है कोई नहीं एसी बाहर एसी गाड़ी में एसी और इतना एसी है कि मुझे ठंड लग रही मैं बाहर निकली तो सुकून मिला फिर सांस बंद होने लग गया अभी हम लोग निकले हैं खाना खा के और 10 दरहम 50 सेंट्स जो भी है वो बन गए हैं अभी से यानी पाकिस्तानी तकरीबन 770 रुपए पैर रखते ही बन गए क्या कह रहे हो 20 दरहम निकाल के रखे